दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी को अभियंता क्लासेज यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं बीटीएससी जेई यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से हम बात करने वाले हैं सिविल ब्रांच के रिजल्ट्स के बारे में, उसके इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट, कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में जो आप लोग लगातार कॉमेंट में पूछते आ रहे हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या छठ बाद सिविल का रिजल्ट आएगा या फिर नहीं, क्या पोर्टल रीओपन होगा, अगर होगा तो क्या 2020 का फॉर्म अप्लाई करेगा यानी 2020 का भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकेगा या फिर नहीं। चौथा क्वेश्चन है कि बीटीएससी पर केस जो हुआ है उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, कैसा इफेक्ट होने वाला है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि एक सच्चा और सटीक न्यूज़ बताने वाला अभियंता क्लासेज यूट्यूब चैनल जो ठहरा आपको अभियंता यानी इंजीनियरिंग से रिलेटेड न्यूज आप सबको प्रोवाइड होता रहेगा। चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि छठ बाद सिविल का रिजल्ट कब आएगा, यानी दावा किया जा रहा था कुछ दिन पहले कि रिजल्ट 5-6 तारीख को आ जाएगा, 5 से 6 नवंबर तक, फिर उसके बाद 10 नवंबर तक दावा किया जा रहा था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अब YouTube चैनल वाले क्या कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि छठ बाद आएगा, जो हम सबसे पहले ही बता चुके थे कि रिजल्ट जो है छठ पूजा बाद आएगा। तो आप लोग गाली भी दिए थे कि नहीं आपको पता नहीं है, आपको बताए थे, याद होगा, आप बोल रहे थे कि हम बोले थे आपको चैनल के माध्यम से, बताए थे वीडियो के माध्यम से कि रिजल्ट जो है अभी तक तैयार नहीं किया गया है। बात भी सही हुआ, रिजल्ट नहीं तैयार किया गया, उसी के कारण तो पोर्टल रीओपन हो रहा है। फ्रेंड्स, जैसा कि रिजल्ट नहीं तैयार किया गया था मैंने बताया था, लेकिन काफ़ी लोग बताए थे कि रिजल्ट तैयार हो चुका था, कमेंट में लगातार भर भर के बोल रहे थे कि रिजल्ट तैयार हो चुका है, आपको पता नहीं है, लेकिन अभी तक रिजल्ट तैयार नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, आप सबको मैं बता दूं, तो छठ बाद रिजल्ट भी आएगा, लेकिन कब तक आएगा इसका कन्फर्म डेट अभी नहीं पता है, क्योंकि बीटीएससी का पोर्टल फिर से रीओपन होने वाला है उन 13 कैंडिडेट के लिए। तो फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है, रीओपन होगा फ्रेंड्स, पक्का रीओपन होगा और उन 13 कैंडिडेट के लिए होगा। थर्ड क्वेश्चन ये है कि रीओपन होगा तो क्या 2020 का फॉर्म अप्लाई कर पाएगा या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, आप सबको इसके बारे में मैं विस्तार से बता देता हूँ। फ्रेंड्स, 2020 का कैंडिडेट रीओपन होगा तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ऐसा बनाया जाएगा जिसके कारण से उन 13 कैंडिडेट को ही अप्लाई करने का मौका मिलेगा, यानी फ्रेशर को अभी तक तो 6th सेमेस्टर का रिजल्ट भी नहीं है, एग्जाम भी हुआ है या फिर नहीं, छोड़िए उसके बारे में। अब देखते हैं सेकंड, बीटीएससी का केस का इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन था कि बिहार 2020 का जो है कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि बीटीएससी पर केस का इफेक्ट कैसा पड़ेगा। फ्रेंड्स, तो बीटीएससी पर एक केस हुआ है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, जी बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, केस डिसमिस हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी प्रकार का बीटीएससी पर केस होता है तो वो डिसमिस हो जाएगा। जी दोस्तों, आप सबको बता दिया हूं, आप सबको पता भी होगा कि किसी भी प्रकार का केस होगा, बिहार सरकार द्वारा बोला गया है कि बीटीएससी को जल्द से जल्द क्लियर कराया जाए, किसी भी प्रकार का केस होगा तो उसको बिल्कुल डिसमिस कर दिया जाएगा। तो सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।